أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى

और बहुत ही अजीम हस्ती और शख्सियत के ताल्लुक से हैं ये इसके लिए हमें सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात और हस्ती को समझना बहुत ज़रूरी है अल्लाह तबरक तआला ने सारी दुनिया वालों से कहा कान लकुम फी रसोल्ला उस्वतुन हसना तुम्हारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी महम्मद अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन उसवा है बेहतरीन नमूना है अरे दुनिया वाले अगर तुम किसी को आइडियल और मॉडल बनाना चाहते हो दो आदमी को आइडियल और मॉडल बनाओ दो आदमी के बारे में अल्लाह ताला ने यह बयान किया है ऐलान किया है कि दो आदमी को तुम आइडियल और मॉडल बनाया करो उनको उसवाया बन उसवा बनाया करो उनकी जिंदगी से इबरत हासिल किया करो और वो है इब्राहिम अलैहि सलाम इब्राहिम अलैहि सलाम जैसे कि मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी है सूरह मुमताहिना आयत नंबर चार है قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه यकीन इब्राहिम की जिंदगी में और वो लोग जो उनके साथ थे उनकी जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है बेहतरीन उसवा है बेहतरीन कुदवा है आइडियल और मॉडल है इबरते हासिल करो और यही बात अल्लाह के रसूल के बारे में भी कहा जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया और सारी दुनिया को जहां पर अल्लाह ताला ने यह कहा कि तुम मोहम्मद वसल्लम को उसवा मानो अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आए नबी अगर आप किसी को आइडियल और मॉडल बनाना चाहते हो आप किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो आप किसी को उसवा बनाना चाहते हो किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हो इब्राहिम हनीफा इब्राहिम को आप अपना रोल मॉडल मानो कितनी बड़ी बात है सारी दुनिया वालों से कहा कि मोहम्मद को रोल मॉडल मानो और मोहम्मद से कहा जा रहा है कि तुम इब्राहिम को रोल मॉडल मानो अकबर ख़लीलुल्लाह है इब्राहिम फतेखल्लाब्राहिम खलीला अल्लाह अलैहिस्सलाम, को खलील बनाया है उलुल उल आजम अंबिया में से एक नबी है आप अबुल अम्बिया हैं अबुल अम्बिया हैं आप इमाम तोहहीद हैं इब्राहिम की जात और हस्ती ऐसी हैं कि सारे के सारे मजाहिब वाले चाहे वो यूद हो या नसारा हो हनूद हो या मुश्रकन हो मुसलमान हो सारे के सारे अपने इमाम मानते हैं इसलिए अल्लाह तबरक ताला को ये ऐलान करना पड़ा अल्लाह ने फरमाया माक़ाना काना इब्राहिम यहूदिया इब्राहिम यहूदी नहीं थे वला नसरानियान नसरानी नहीं थे वाला काना हनीफा मुस्लिमा वो परस्त तो मुसलमान थे मुसलमान थे वह मैं काना मिनल मशरकिन और वो मुशरिकों में से भी नहीं थे सारे के सारे लोग आपको इमाम तस्लीम करते हैं क्यों ना करें क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो इमाम बनाया है इब्राहिम मैं तुम्हें दुनिया वालों के लिए इमाम बना रहा हूं अल्लाह अकबर इब्राहिम के साथ इस उम्मत का बड़ा गहरा रब तो जब्त है इस उम्मत के साथ इब्राहिम का बड़ा गहरा रब्त है मरासिम है ताल्लुकात ता हैं क्योंकि इब्राहिम को इस उम्मत से खास निस्बत है खास निस्बत है एक तो हज कुर्बानी, मुकाम इब्राहिम दरुद इब्राहिम इन सब बातों में देखो इब्राहिम की याद है और दरूद इब्राहिमी में बाकायदा इब्राहिम का हवाला देकर कहा के कमा इब्राहिम्राहिम अकबर और इसी तरह से इब्राहिम इस उम्मत के रूहानी बाप हैं इब्राहिम इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो इब्राहिम आलम की मिल्लत की पैरवी करो ये उम्मत और ये महा उम्मत उम्मत महम्मदिया इब्राहिम आल सलाम की दुआ का नतीजा है

उसके वो मेमार हैं वो मेमार हैं और उसी उन्हीं के के खानदान सारी यादगारें पर मौजूद हैं चौथी बात सबसे बड़ी बात और नस्बत तो यही है कि कुरान जा बजा मिल्लत इब्राहिमी के तालुक से ये कहता है अनि तब मिल्लता इब्राहिम हनीफा मिल्ल इब्राहिमी की पैरवी करो यही असल रास्ता है और बड़ा बेवकूफ होगा वो इंसान अहमक होगा वह इंसान नादान होगा वह इंसान बड़ा बेरारवी के शिकार होगा वह इंसान वह इंसान भटका हुआ होगा जो मिल्लत इब्राहिमी से रूगर्दानी करता है इराज करता है व मेयरगबु अम मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिह नफसा सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया मिल्लत इब्राहिमी से इराज करने वाला मुंह मोड़ने वाला टर्न होने वाला बड़ा बेवकूफ होगा अहमक होगा और नादान दान होगा ना समझ होगा गुमराह होगा इसके जरिए से पैगाम यहूद को भी है नसारा को भी है हनूद को भी है मुशरकिन को भी है ने मक्का कहा करते थे हम इब्राहिम की मिल्लत पे हैं। उनसे कहा गया कि देखो मिल्लत इब्राहिमी तो ये है जो उसेवाहम्मी है जो सुन्नत मोहम्मदी है वही तो मिल्लत इब्राहिमी है अल्लाह अकबर मिल्ल इब्राहिमी और इबराहीम चंद अल्फाज में सुना देता हूँ मिल्ल इब्राहिमी एक रब हकीसे से हकीकी से रिश्ता जोड़ने और तमाम मबूदाल बातिला तमाम अरबाबे बातिला के खिलाफ ऐलान करके रिश्ता तोड़ के रब्बे हकीकी से रिश्ता जोड़ने का नाम है मिल्लत इब्राहिमी उसवाई इब्राहिमी यह है अकीदाए तौहीद और मनहज ए सलफ का हकीकी गोया के ترجمان है और नमूना है तसलीम और रज़ा के पैकर का नाम मिल्लत इब्राहिमी है इता तो फरमा बरदारी और अपने आप को अल्लाह के सामने हवाले करने का बेहतरीन एक बेमिसाल और बेनजीर नमूने का नाम है इशारो कुर्बानी के जज्बे का बेमिसाल एक नमूने का नाम है नफ्स की ख्वाहिशात और अरमानों को कुचलने का नाम है खुद पसंदी खुद पसंदी को खुदा पसंदी पर तरजीह देने का नाम उसवाई इब्राहिमी मिल्लाते इब्राहिमी है अपने रिश्तेदारों अकारिब को कि मोहब्बतों को रजाए इलाही और मोहब्बत इलाही के खातिर कुर्बान करने का नाम मिल्ल इब्राहिमी है अपने तन, मन, धन को अल्लाह के खातिर बाजी लगा देने का नाम मिल्ल इब्राहिमी है शुजात व बहादुरी के बेहतरीन और नायाब मिसाल का नाम मिल्ल इब्राहिमी है ईमान की फतः कुफर की शिक्ष का नाम मिल्ल इब्राहिमी है तोहहीद के गबा और शिरक की हजीमत का नाम मिल्ल इब्राहिमी है कयाम

قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي نبي اپ کہہ قل ان صلاتي میری نماز اور عبادت اور بندگی اور میری ومماتي میرا جینا ومرنا مرنا ہر چیز اے اللہ तेरे लिए कर दिया है मेरा जीना भी तेरे लिए मेरा मरना भी तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा तेरे लिए इबादतें तेरे लिए और तरह की कुर्बानियां तेरे लिए जो भी कुर्बान करूंगा तेरे लिए अपनी जान माल इज्जत आबरू दीनो ईमान अहलो आयाल रिश्तेदारो अकारी तन मन धन हर चीज कुर्बान है अल्लाह तेरे लिए ने कहा असलम मैंने कहा असलम तस्लीम खम करो कहा कि अल्लाह हर एक के लिए सर तस्लीम खम करता हूं हजरात एक बात याद रखना हर चीज के दो पहलू होते हैं एक थियोरी और एक प्रैक्टिकली एक थे और एक प्रैक्टिकली इस्लाम की तालीम देखो कुरान और हदीस में है ये थेरी है थेरी है और प्रैक्टिकली देखना चाहते हो मोहम्मद आरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो मुसलमान इस्लाम के थ्योरी कुरान और हदीस में है इस्लाम के प्रैक्टिकली नमूना देखना चाहते हो इब्राहिम अलैहि सलाम को देखो इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ इसीलिए बार-बार ये लफ्ज आया हनीफम मुस्लिमा का कि अस्लम का अस्लमतु लरब अल आलमिन فلما اسلم जब दोनों ने मुसलमान होने का सबूत दिया कब जब इब्राहिम सलाम की सारा वाकया आप जानते हैं जब इब्राहिम सलाम ने दुनिया का अजीम वाकया और अजीम कुर्बानी का वाकया नमूना पेश किया फलम जबीन अपने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया और दुनिया तंग है हैरान और थे बाप के हाथ में चाकू है बाप कुर्बान करने के लिए तैयार है बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है मां भी अपने लख्त जिगर को अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है हजरात जितने आसानी के साथ मैंने कह दिया उतना आसान ये नहीं था यह वाकया उतना आसान वाकिया ये था नहीं है बुढ़ापे का सहारा कोई और सहारा नहीं है बड़ी तो समाचत के बाद एक एक ने दी थी। और ऐसे के रास्ते में और वो भी अपने हाथ से अपने हाथ से जबा करना उतना आसान नहीं मेरे भाइयों जितने आसानी से मैंने आपको कह दिया अपने लख जिगर को नूरे नजर को और अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के रास्ते में देते हुए आप परेशान हो जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम आसमाम को वो नमूना दिया है इब्राहिम आसमाम को वाकई माने में ये जो इस उम्मत के लिए बनाया है नमूना बनाया ये हमारे और आपके लिए नमूना है कि अल्लाह अगर कहे कि तेरी औलाद को मुझे चाहिए देने के लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह के खातिर सब्र करो बर्दाश्त करो अल्लाह तबरक तआला बेहतरीन आजर देगा बेहतरीन सवाब देगा इब्राहिम के वाक़े से हमें ये सारे नमूने मिलते हैं इन हम आगे मालूम करेंगे जो आदमी अपने हाथ से देता है ना उसको पता रहता है उसको एहसास होता है कि जो अपने हाथ से अपने जिगर को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हवाले करता है सुपुर खाक करता है इब्राहिम के वाकई में प्यारे नबी सर आपके लिए सारी इब्रतें मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी अपने हयात में सुपुर खाक किए हैं अल्लाह की मर्जी है देने वाला अल्लाह ही है, लेने वाला भी अल्लाह ही है यही अल्लाह देखना चाहता है कि मैंने दिया है अल्लाह देकर भी आजमाता है अल्लाह लेकर भी आजमाता है इब्राहिम की सारी जिंदगी का नाम अगर आप देखें कुर्बानी से दास्तान है कुर्बानी, 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 इशारो इशारो कुर्बानी और तस्लीम और रजा का नाम है इब्राहिम की सारी जिंदगी सीरत इब्राहिमी गोया के तस्लीम और रजा का नाम है और अपने कुर्बानी का के जज्बे का नाम है खुद पसंदी को खुदा पसंदी पर तरजीह देने का नाम है इब्राहिम इब की ज़ और हस्ती बहुत अजीम है और उनके वाकयात से हासिल होने वाली इबरतें भी बहुत अहम है इब्राहिम की जात को अल्लाह ताला ने बहुत ही जाम अंदाज में बयान करते हुए फरमाया सूरत में कि इब्राहिम कौन है आपका इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला ने बहुत ही जामे अंदाज में कराया सूरत आयत नंबर एक से एक तक अल्लाह ने फरमायाब्राहिम का ना उम्मा इब्राहिम तने तनहा एक उम्मत अल्लाह के हनीफा एक हो के अल्लाह की इबादत करने वाले हर तरह के शिरक से दामन झाड़ के एक अल्लाह से तौहीद से रिश्ता करने वाले वलम यकु मिनल मुश्रकिन और आप मुशरिकों में से नहीं थे कहना उम्मा उम्मत का क्या मतलब है उम्मत के दो माने आते एक तने तमा एक

इब्राहिम इमाम, इमाम थे आप के इमाम थे, के के थे।, थे। अल्लाह तला के लिए आप कुरबानी के जज्बे के इमाम थे हर तरह के इमाम थे वो इनजाक से इमामा मैंने सारी दुनिया के लिए और हर तरह के मामला के लिए इब्राहिम मैंने आपको इमाम बनाया है कानिता, यानी इतातो फर्मा कहा जाता है। हर हालत में अल्लाह की इतातो फर्मा बरदारी ऐसा नहीं हमारी मर्जी के मुआफिक है तो हमने मान लिया मर्जी के खिलाफ है तो हमने छोड़ दिया नहीं और देखो सबर मजबूरी नहीं सबरे मजबूरी नहीं सबरे मसरूरी होनी चाहिए यानी तकलीफ में भी मुस्कुराएं और अल्लाह के फैसले पर राजी बराजा हो जाएं मजबूरी के सबर का नाम सबर नहीं है मसरूरी के साथ खुशी के साथ खुशी बा खुशी बतीबी खातिर कबूल करने का नाम है कानिता हर हालत में अल्लाह की तो फरमाबरदारी करने वाले कानित कानिता ये भी याद रखें यानी तकलीफों में परेशानियों में गिला शिकवा नहीं बल्कि तकलीफों को फेस करके उभरने का नाम और हर हालत में अल्लाह की शुक्र गुजारी करने का नाम है शाकिर इसीलिए फौरन बाद कहा, अल्लाह की नियमतों के शुक्र गुजार वो थे शुक्र किसको कहा जाता है शुक्र शुक्रान का, शुक्र शुक्रान शुक्र दो तरह के हैं इबन कयम ने भी फरमाया कि शुक्र देखो एक तो दिल से एतराफ का नाम है शुक्र दिल में एतराफ हो और जबान से इकरार भी हो, अल्लाह तेरा पे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और लमाल के जरिए से करके दिखाए जवारे से बॉडी पार्ट से अमल भी करके दिखाए इब्राहिम ने वो किया शाकिर अल्लाह की नहमतों को रब की नमतों को रब की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शुक्र है अल्लाह ने औलाद की नमत दी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो अल्लाह ताला ने आपको दौलत की नहमत दी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो अल्लाह ने आपको इल्म दिया हुनर दिया ताकत दिया दिया असबाब दिए 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 अफराद इख्तियार दिए दौलत दिए हुकूमत दिए दिए सल्तनत दिए जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो यही शुक्र है शाकिर नौमी जिंदगी में शिरक ना हो आगे हम थोड़ी तफसील के साथ भी मालूम करेंगे अल्लाह ने चुन लिया उनको सिलेक्टेड है यो। सिलेक्टेड है वो, हदा मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी है जहां आंख खोले पैदा हुए हर तरफ परस्ती के दल दल में वो पैदा हुए आगे हम मालूम करेंगे ऐसे वक्त में अल्लाह ने उनको हिदायत दी है

अगर किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हो इब्राहिम को रोल मॉडल बनाओ वह न मिला मुशर शुरू में भी कहा मुशर में से नहीं थे आखिर में भी कहा कि मुशर में से नहीं थे शिरक के, के लिए गया तलवार थे ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है सनम कदा है जहा लनम इला कदा है जहा ला इलाह अल्लाह आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आज भी हो जो सा पैदा आग कर सकती हैं, से गुलिस्ता पैदा सकती गुलिस्ता की जात और हस्ती को हमने किया है आइए अब उनकी जिंदगी से हासिल हासिल होने वाली जो इबरते हैं दुरूस हैं हम वो मालूम करते हैं मैंने अब तक आपको खुलासे के तौर पर सारी चीजें बता दी है आइए उन्हीं चीजों को दरे तफसील के साथ मालूम करते हैं इब्राहिम सलाम इराक के एक शहर बैबिलन में पैदा हुई है, जिसको बाबिल कहा गया कुरान में सुरा बकारा में अल्लाह ने बयान फरमाया बाबिल बैबिलन में इब्राहिम आसाम पैदा हुई इराक में पैदा जहां हुए ऐसे खानदान में बुत परस्त नहीं बल्कि बुध गर्द है वो उनके वालिद खुद बुत बनाया करते थे बुत परस नहीं बुत गरों के घर गर में पैदा हुए आंखें खोली तो हर तरफ शिर को बिदा तो खुराफात बुत परस्ती के दल दल में हर तरफ देखे तो अंधेरा ही अंधेरा है शिरक विदा तो खुराफात छाए हुए हैं ये हमारे और आपके लिए सबसे बेहतरीन पैगाम है इब्राहिम की जात और सीरत से हासिल होने वाला पहला दर्से ही है शिरक को कभी बर्दाश्त ना करो चाहे तुम्हारे माँ बाप शिर्क करें। शिर्क के दल, दल में पैदा हुए हो, पले पोसे बड़े हुए हो। को देखो। कैसे किसी से कहा जाता है कि भाई तौहीद की तरफ आओ फौरन कहते हैं जिस तरह के हर जमाने में हर जमाने में मुश्रकी का जवाब था जो कि बहुत जाहिलाना जवाब है हमारे बाप दादा गलत थे हमारे बाप दादा कर रहे हैं क्या गलत थे हमारे बाप दादा के तरीके पे चल रहे हैं बाप दादा से हटके याद रखिए ये गलत दलील भी है और जाहिलाना दलील भी है इब्राहिम ने आपकी जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि व तबलीग के लिए हमें वक्फ होना है हर हालत में दांत तबलीग का काम करना है शिरक के खिलाफ चटान बनना है तोहहीद के अलम बरदार बनना है चाहे वो अपने बाप ही क्यों ना हो रिश्तेदार वक़ारिफ क्यों ना हो वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो हर एक के खिलाफ डट के खड़ा होना है शिरक के खिलाफ और तोहीद के अलम बरदार बनना है हमत के साथ हमत के साथ चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए और इसी को अल्लाह ने तुरानी मजीद में फरमाया कि देखो सुरा यूसुफ में दातली का रास्ता है हमें भी वो काम करना है इब्राहिम ने आंख खोली तो देखे कि हर तरफ शिरक शिर और ब्या बेहतरीन अंदाज में दांत तबलीग का काम शुरू किया अपने घर से आपके लिए हमारे लिए पैगाम है अपने घर से ही दात तबलीग का काम शुरू करो इब्राहिम ने अपने बाप से कहा अल्लाह ने सुरत इसकी तफसी है लेकर आगे कई आयतें तक अल्लाह ने फरमाया वही इब्राहिमी आजर याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहम ने अपने वाल आजहर से कहा अतन आलिया क्या आप ऐसे

उसके बाद देखो कौम के साथ डिबेट कर रहे हैं दा तो तबलीग में अगर डिबेट हो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए हाँ इंटेलेक्चुअल होना चाहिए सामने वालों को अकल से दिमाग से समझाना है डिबेट करो वो दो सबील रब कबिल हसाना हिकमत के साथ मोजत हसाना के साथ बेहतरीन नसीहत के साथ दाव तबलीग का काम करो वह जादिल हम बिल्लती ही और मुजादला मुबाहसा करो डिबेट करो तो आसन तरीके से करो इंटेलेक्चुअल तरीके से करो दिमाग से करो दलील से भी समझाओ इब्राहिम ने वो काम किया देखो एक सवाल पैदा होता है इब्राहिम ने सितारों को देखा कहा कि ये मेरा रब है चांद को देखा कहा मेरा रब है सूरज को देखा कहा कि मेरा रब है तो क्या बिल्लाह इब्राहिम सलाम ने शिरक किया वक्ती तौर पर नहीं ये असल में क्या है शिरक नबियों की जिंदगी में याद रखो पल भर के लिए एक लम्हे के लिए बचपने से लेकर मरते दम तक अंबिया शिरक नहीं करते अल्लाह उनको बचा रखता है तो यह क्या है यह डिबेट का तरीका है यह मुनाजरा और मुबाहसे का तरीका है कि कौम के लोग सितारों की परस्तिश करते थे चांद सूरज की परस्तिश करते थे इब्राहिम सलाम ने उनको पैगाम दिया चलो ठीक है वक्त के तौर पर मैंने मान लिया ये सितारे रब हैं फलम्म जन्न, फलम्म जन्न रा जब वो गुरूब हो गए सारे के सारे सितारे कहा के जो अपने वजूद की हिफाजत नहीं कर सका जो अपने आप को ही बचा नहीं सका वो हमें क्या बचाएगा बताओ कौम के लोगों कौम के लोगों के दिमाग को झिझोड़ना चाह रहे थे उनको समझा के चलो मान लिया अब किसको पुकारोगे अब तो नहीं है वो जो अपने आप के वजूद को एग्जिस्टेंस को बचा नहीं सका वो आपको और हमें क्या बचाएगा उसके बाद फलमर अल कमर चांद को देखें बाजिगा आबो ताब के साथ जाहिर होते हुए का काला हादा रब्बी फलम्मा फला काला लईल्लम यहदिनी रब्बी अब देखो रब का तसव्वुर दे रहा है कहा कि चांद भी गुरूब हो गया है जो अपने आप को बचा नहीं सका हमें और आपको क्या बचाएगा हमारी क्या बिगड़ी बनाएगा हमारी क्या हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करेगा अल्लाह अगर मुझे हिदायत ना देता तो मैं भी गुमराह गुमराह लोगों में से हो जाता अब कौम के लोगों के दिमाग को झिझोड़ रहे देखो आगे सूरज को देखा फलम शमस के साथ सूरज तुलू होते हुए कहा कि ये मेरा रब है ये तो बहुत बड़ा है फलम्मा फलत बड़ी बात अब समझ में आ रही है कहा कि आई कौम कौम के लोगों मैं तुमसे बरी हूँ मैं तुमसे बरी हूँ और यहाँ से याद रखना इब्राहिम की जिंदगी से हासिल होने वाला जो पैगाम है दर्श है उसमें से एक है बरात का अकीदा अलबरा का अकीदा बरात का इजहार होना चाहिए शिरक और मुश्किन से बरात का इजहार करो और बरात का मतलब ये नहीं कि उनसे दुश्मनी रखो बल्कि तुम जिसकी करते हो उसकी नहीं इब्राहिम ने कहा कि मैं बड़ी हूं तुम जिनकी करते हो यानी तुम्हारे किए का जवाब तुम दोगे जवाब मैं दूंगा लिहाजा तुम सोचो जांचो इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मनी रखे बरा के अकीदे का लोगों ने गलत मफूम ले लिया है अकीदा और बरा इब्राहिम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि बरात का इजहार करो इस्लाम इसी का नाम है आपको पता है इस्लाम किसको कहा जाता है अल इस्तिस्लाम लिल्लाहि बित्तौहीद तौहीद के साथ अल्लाह के सामने अपने आप को हवाले कर देना कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह विद तौहीद तौहीद के साथ अल्लाह के सामने अपने आप को हवाले कर देना और इनकियादुल्लाहु बित्ताअह और अल्लाह के लिए हर तरह की करना, बरात, मिन शिर्क और, शिर्क और से बरात का इजहार करना तभी जाकर कोई मुसलमान होता है इस्लाम की असलाह तारीफ ये तीन चीजें याद रखना हजरत गिरामी फिर उसके बाद कौम के लोगों को जब झिझोड़ा उन्होंने समझाया कहा कि देखो रब कौन होता बताया इन मैं उसकी तरफ एक सो होता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया सितारे और सैरों को पैदा किया चांद और सूरज को पैदा किया वही हकीकी माने में रब है और मैं हनीफ हर एक से कट के अना मैं में से नहीं हूँ अब कौम के लोग कहाँ समझते हैं थोड़ी देर के लिए वो लोग थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ एहसास हुआ फिर पलट के आए आगे जैसे ने सरा सोफत वगैरह में बयान किया है कौम के लोगों ने झगड़ा किया आपसे कहा के देखो तुम मुझसे झगड़ा करते हो इसके बारे में जो तुम शिरक करते हो तुम्हें एहसास नहीं है लेकिन तुम मुझे बोलते हो इससे यह मालूम होता है हर जमाने में मुश्किन मोमिनों को ताना दिए उनके साथ झगड़ा किए और उल्टे अलकाब से पुकारे कि ये बेदीन है ये फितना फैलाने वाले ये ये करने वाले वो करने वाले हमें भी देंगे हमें सबर करना है हजरत इब्राहिम सलाम की जिंदगी से हासिल होने वाले दुरूस में से एक दर्स ये भी हैं सबर तहमुल बर्दाश्त कुत बर्दाश्त सबर करना बर्दाश्त करना सबर दिया रोशनी है सबर में ही कामयाबी है इन दफरमा सबर और सबर से बढ़ के कोई कामयाबी नहीं है सबर गोया के आदि कामयाबी की अलामत है और सबर करने वालों के साथ अल्लाह ताला है सबर करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब बदला देता है देखो इब्राहिम सलाम को अल्लाह तला ने कैसे आजमाया जब

उन्होंने अपने बाप और कौम से कहा कि ये आप अपने हाथ से बनाते हो और उनके सामने खाने पीने के सामान रखते हो ये खुद ना खा सकते ना खिला सकते हैं ये चूहे आकर खा लेते हैं मक्खी उनके जिस्मों में बैठते हैं गफतलबल मतलूब मांगने वाले जिनसे मांगा जा रहा दोनों कितने कमजोर हैं तुम समझते क्यों नहीं हो ये पैगाम जब दिया कौम के लोग आपके खिलाफ हो गए आपके खिलाफ हो गए आपने उसके बाद कहा कि देखो मैं दिखाऊंगा मैं समझाऊंगा तुम्हारे बुतों के साथ लेकिन दिली एबार से वो बीमार थे उसके बाद सारे लोग जाने के बाद इब्राहिम आगे बढ़े अंत मुद्रीन फजा जुजाद हर एक को सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया इल्ला बड़े को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी लटका दिया जब कौम के लोग आए आप जानते में इबरत आपको बता रहा हूं कौम के लोग आए और आकर कहा उन्होंने बहुत की बात है <den> <-लिमीन> किसने ये काम किया हमारे हमारे माबूदों के साथ बहुत जुल्म किया है अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने इब्राहिम ने उनको समझाना चाहा और उन्होंने उस मौके पर कहा इब्राहिम हमने एक नौजवान को इनके बारे में कहते हुए सुना हमारे बुतों को वो बुरा वाला कहते थे वो इब्राहिम एक नौजवान नौजवानों के लिए पैगाम है इब्राहिम सलाम की जिंदगी में नौजवानों के लिए पैगाम है क्या पैगाम है आई नौजवानों वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में इब्राहिम सलाम नौजवान थे तोहिद परस नौजवान तने तनहा कोहराम मचा दिए तने तनहा बातिल के आईवानों में हंगामा बर्पा कर दिए और बातिल के खिलाफ चटान बन गए याद रखो आज हमारे नौजवान कहीं नशे में चूर है मुनशियत के आदि है रोडों में गली कुछ में डुल रहे हैं घूम रहे हैं अरे नौजवानों तुम इब्राहिम के वाकयात से सीरत से हासिल करके आज भी हो जो ब्राहिम पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलस्ता कर पैदा ये दौर अपने ब्राहिम की तलाश में है सनम कदा है जहां लाला ला इब्राहिम को बुलाया गया इब्राहिम ने तोरिये से काम लिया कहा कि इनके बड़े ने किया दो दो एक तो बड़ा इन्हें बुतों से मैं बड़ा हूँ तो झूठ नहीं है बुत कुछ नहीं कर सकते जिसने किया है वो बुतों से बड़ा है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्योंकि बुत अपने आप को बचा नहीं पाया जिसको तोड़ दिया गया खत्म कर दिया गया मिलियामेट कर दिया गया तो गोया कि वो छोटा है जिसने किया वो बड़ा है बल्फाला उनके बड़े ने किया है और मैं उनसे बड़ा हूं मतलब मैंने किया ये झूठ नहीं है और जाहिर एतबार से देखा जाए तो वाकई के खिलाफ तो झूठ है यानी इशारा इनकी तरफ ये जो बड़ा कुल्हाड़ी लटकाया हुआ है इसको पूछो कौम के लोगों के दिमाग में बात आई कि ये लोग तो ये लोग कहा कि देखो फसालो हम इनकान कौन पूछो इनको अगर ये पूछ सकते हैं तो अब कौम के लोगों के दिमाग में बात आई कुरान ने जो कहा फराजा इलाम कौम के लोग अपने आप की तरफ थोड़ी देर के लिए किए अपने आप की तरफ पलटे रुझू किए कि शायद हमसे गलती हो रही है ये जो अपने आप को बचा नहीं पाए हमारी क्या मत बचाएगा हमारी क्या बिगड़ी बनाएगा क्या मुश्किल कुशाई हाजत रवाई करेगा लेकिन फिर क्या करें लकद आलिम तमाहम फिर वो पलट के आए फिर की तरफ आए शैतान ने उनके दिमाग में पर्दा डाल दिया और कहा कि तुम्हें पता नहीं ये बात नहीं करते हैं इब्राहिम ने कहा कि अजीब माजिरा है जो बात नहीं करते बचा नहीं सकते तुम इनके पीछे पड़े हुए हो इब्राहिम ने क्या बेहतरीन अंदाज में इनको समझाया आखिरकार आखिरकार वो माने नहीं बादशाह के पास मामला गया और उनके लिए आग का तोदा तैयार किया गया वो आग भी कैसी आग है लिखते हैं अगर कोई परिंदा उस आग के ऊपर से उड़ के भी जाता भून के कबाब बन के गिर जाता अल्लाह अकबर इतनी ऊंचाई से परिंदा अगर उड़ के जाए इब्राहिम एक इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग बात समझ में आ रही इबरत देखो एक तो के खिलाफ बातिल को इतनी बड़ी साजिश करनी पड़ती है बातिल परस्तों को इतनी परेशानी होती है एक तोहिद परस्तों के लिए इतनी बड़ी आग के सारी बस्तियों को जलाया जा सकता है याद रखो तोहहीद में बड़ी ताकत है बड़ी कुत है इब्राहिम के वाक्य से हमें मालूम होता है लेकिन आग में डाला गया इब्राहिम ना परेशान ना हैरान कुछ भी नहीं है याद रखो आज भी हो जब आज भी सनम कदा है जहां सनम कदा है जहां आज भी नमरूद जैसे बादशाह भी है आज भी गुरु रुपिंदार में मुबतलाकुमरान भी है मुसलमानों के तोहीद के खिलाफ लोग भी हैं साजिशें हो रही है आग है हर तर, हर तरफ से आग ही आग है आग है औलाद आदम है आग है औलाद आदम, आदम है फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है हाँ आज भी वो चीजें मौजूद है हमें घबराना नहीं इब्राहिम की जबान पे कोई बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं भी नहीं हस भी अल्लाह ने अमल वकील अल्लाह मेरे लिए काफी है अल्लाह अकबर बहुत बड़ी दुआ मेरे भाई ये अल्लाह मेरे लिए काफी है अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और वो अल्लाह मेरा बेहतरीन कार साज है वो अल्लाह जिसने आग से कहा कि तेरा तेरा काम है जलाना उसी अल्लाह ने आग से कहा आग तो अब जलाना नहीं है इब्राहिम के लिए या ना रुकूनी सलामा ठंडा बन जाओ और इतनी ठंडी भी मत बनो के तकलीफ हो सलामा सलामती वाली बन जाओ यानी बहुत ठंडी भी नहीं और गर्मी भी नहीं सलामती वाली बन जाओ मूसा को पानी ने डुबोया नहीं समंदर का पानी का काम डुबोना है इब्राहिम को आग ने जलाया नहीं आगे देखोगे इस्माइल को चाकू ने काटा भी नहीं है अल्लाह के लिए अल्लाह वाले बन जाओ इब्राहिम के वाक से हमें ये पैगाम मिलता है वहां से इब्राहिम की जिंदगी का एक दूसरा दौर शुरू होता है अब इराक छोड़ के आजमाइश का दौर खत्म हुआ इराक छोड़ के अब चले जाते हैं फलस्तीन और सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले इब्राहिम हिजरत इब्राहिम नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन हिजरत वो है अल मुहाजिर वो सबसे बड़ा मुहाजिर है जो गुनाहों को छोड़ देता है अपने नफ्स के साथ फाइट करता है और अपने वतन अजीज की भी जरूरत पड़ने पर कुर्बानी दे के अल्लाह की खातिर छोड़ के चले जाता है दूसरी जगह पर तो यह भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है अल्लाह के खातिर हिजरत करने वाले सबसे पहले इब्राहिम और उनके साथ उनके भतीजे लूत लूतम अब इराक छोड़ के चले गए फलस्तीन फलस्तीन मुल्क शाम चले गए वहां जाके आबाद हुई उसके बाद देखो यहाँ से एक दूसरी आजमाइश यहां पर जुलम था हुक्मरानों काम का जुलम था, था यहाँ एक आजमाइश क्या है बुढ़ापे में औलाद नहीं है औलाद नहीं देखो अल्लाह के कितने चहीते खलील है आग को गुले गुलजार बना दिया लेकिन औलाद नहीं अल्लाह की आजमाइश ऐसे होती है इब्राहिम के वाकये से उनकी सीरत से पैगाम है हमें भी होंगे बहुत सारे नेक औलाद नहीं बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नत और समाजत के बाद एक औलाद दिया और औलाद देने के बाद अल्लाह ताला ने फिर कहा कि देखो ये औलाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई थोड़े से आए हुए अभी गोद में ही है दूध दूध पीते हैं गोद में है अल्लाह ने कहा कि जाओ ले जाकर बेआब गया सर जमीन पे रख के आओ बेआब गया सर जमीन पे रख के आए इब्राहिम की इस वाकये से हमें यह पैगाम मिलता है इब्राहिम ने जैसे बाप का रोल निभाया शौहर का रोल निभाया हाजिरा ने वैसे ही एक बीवी का रोल निभाया एक बीवी एक माँ का रोल निभाया और इस्माइल ने भी एक बेटे का रोल और किरदार अदा किया है हर एक ने अपने अपनी हैसियत से कुर्बानी दी है आज भी जरूरत है आज इब्राहिम जैसे बापों की जरूरत है इब्राहिम जैसे शौहरों की जरूरत है आज के दौर को हाजिरा जैसे माँ की जरूरत है आज के दौर में हाजिरा जैसे बीवी की कुर्बानियां चाहिए आज के दौर में इस्माइल जैसे औलाद की ताबेदारी और फरमाबरदारी चाहिए शायर ने क्या खूब कहा वो फैजान नजर था यह मक्तब की करामत थी वो फैजान नजर था यह मक्तब की करामत थी सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फर्जन दी देखो इस्माइल सलाम को हाजिरा को ले जाके बेआब हो गया सरजमीन पे रख के आ गए हाजिरा ने शोहर की की, नतीजे में कितना फायदा हुआ? अल्लाह के खातिर कुर्बानी दिए इब्राहिम ने कुर्बानी का आगाज कर दिया पौधा लगा के आ गए और आगे सारा काम हाजिरा ने किया है पानी नहीं है पानी की तलाश में सफा मरवा सफा मरवा कि सही हाजिरा के जरिए से मिला है हाजिरा के जरिए से सही मिली है और हाजिरा को देखो सही करते हुए सफा मरवा के के चक्कर चक्कर लगाते हुए पता चल गया पानी नहीं फिर भी दौड़ लगा रही है। क्यों? काट रही है है क्यों काट इसलिए ये बताने के लिए अल्लाह मेहनत करना मेरा काम है तेरी जात से ना उम्मीदी नहीं है तूने बुढ़ापे में इस्माइल औलाद दी है रेगिस्तान में पानी भी देगा तू अल्लाह अकबर रेगिस्तान में पानी भी तू देगा और बुढ़ापे की औलाद को तू बचाएगा भी देखो एक कतरा पानी के लिए तरस रहे थे अल्लाह ने ऐसा पानी दिया मुबारक पानी है जमजम जम देखो नबी ने कहा अगर उम्मे इस्माइल उसको बैरीगेट ना डाल दी होती वो बहने वाला एक नहर और नदी बन जाती अल्लाह अकबर हजारों साल से पानी निकाला जा रहा है हजारों लीटर में कम होने का नाम नहीं है ऐसा पानी अल्लाह ने दिया है और आगे देखो मक्का आबाद हुआ हजरे असवद आया और मकाम इब्राहिम आया फिर मक्का काबे की तामीर हुई मक्का आबाद हुआ हज के मनासिक हुए ये सब किसके इब्राहिम सलाम की याददाश्त है इब्राहिम सलाम हाजिर इसमाइल सब के नतीजे में फिर इब्राहिम थोड़े बड़े हुए इब्राहिम थोड़े बड़े हुए एक अजीम वाकया अल्लाह ने अब कहा कि देखो इब्राहिम चलो अपने बेटे को अपने हाथ से जबा करो अपने हाथ से जबा करो मैंने शुरू में कह दिया देखो जितनी आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान वाकया था नहीं है बुढ़ापे का सहारा इकलौती औलाद को अपने हाथ से जबा करना अपने हाथ से जबा करना कोई और ले जाकर करें तो बर्दाश्त कर लेते अपने आंखों के सामने अपने हाथ से बुढ़ापे का सहारा इकलौती औलाद को और वो भी औलाद जब खेल कूद की उम्र को पहुंचे अब बुझान कहकर उंगली पकड़ के चलना शुरू करे हर बाप को जिगर में लगता है और दिल को दिल को भाता है ऐसे वक्त में कहा ले जाके जबा कर दो और बेटी भी क्या बेटे अल्लाह अकबर

हर एक ने कुर्बानी का वाकिया पेश किया ले गए और जब जब उनको जो है बाकायदा जबील लिटा दिया गया जबीन के बल करवट के बल जबीन इसको कहा जाता है ये पेशानी है ये जब हा जबीन इसको कहा जाता है करवट के बल लिटा दिया गया और चाकू चलाना शुरू किए से मौके पर अल्लाह ने लफ्ज इस्लाम कहा मुसलमान किसको कहते हैं इब्राहिम के नाम के साथ हनीफा मुस्लिमा क्यों है असलिम क्यों कहा मुसलमान किसको कहा जाता है देखो ये इब्राहिम के सारे वाकयात है ना ये मुसलमान के लिए पैगाम है अब कहा जब इस्माइल और इब्राहिम ने इस्लाम कबूल किया असलमा क्या मतलब हर चीज को अल्लाह के खातिर दे दो कुर्बान कर दो यही गोया के इस्लाम है मुसलमान वही होता है और करवट के बल लिठा दिए अल्लाह ने बावाज़ दी तुमने रोइया उसको पैगाम को तुमने सच करके दिखा दिया है अब अल्लाह ने मेंढप लाया भेजा और भेजने के बाद कुर्बान की जगह पर कर दिए और इसमाइल को बचा लिए इसमाइल को बचा लिए याद रखो मेरे भाईयों ये जो पैगाम है मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया अब देखो एक औलाद के लिए तरस रहे थे अब अल्लाह ताला ने एक दूसरी औलाद भी दी अल्लाह ने उसके बाद ये पैगाम दिया

और मुसिन नफसी। कुछ लोग करने वाला भी होंगे यहूदी बहुत बड़े जालिम भी है बहुत सारे लोग अच्छे मुसलमान ये दोनों के खानदान से हैं यह भी हमारे लिए पैगाम है ये भी हमारे लिए पैगाम है कि तुम जालिम बनोगे या मोहसिन बनोगे हजरात आखिरी बात इब्राहिम के वाक़ से जो इबरते हमें मिलती है वक्त मेरा काफी हुआ चल रहा हुआ है आखिरी बात बताकर बात खत्म कर दूंगा अल्लाह पर तवक्कुल और रजा और तस्लीम मैंने अभी आपके सामने बताया कि इब्राहिम के वाक्य से यह पैगाम हमें मिलता है इसी तरह से हर हालत में खुशी हो या गम हो परेशानी तकलीफ हो मुसीबतों में भी मुस्कुराना और शुक्रगुजारी करना जब से मेरी मर्जी हुई गुम तेरी मर्जी में जब से मेरी मर्जी हुई गुम तेरी मर्जी में मौत में भी हमने पाए जिंदगी के मज़े ये इब्राहिम सलाम का पैगाम है हर चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए तकलीफ में परेशानी में भी वो मुस्कुराए और बेहतरीन पैगाम दुनिया वालों को दिए हैं अल्लाह की खातिर कुर्बानी दोगे अल्लाह तला बेहतरीन अजर देगा मन तरक अब खरमिन हो अल्लाह के खातिर एक औलाद दिए अल्लाह ने इतनी कुर्बानियाँ दी है और इब्राहिम आलाम की इसी पैगाम के लिए कहा कि देखो तुम्हें भी ईमान और दीन के खातिर आजमाइश होगी लेकिन तुम याद रखो आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा आज जो आग का माहौल है हर तरफ इब्राहिम सा ईमा पैदा करो ये आग सारे के सारे गुले गुलिस्तान और गुलजार हो जाएंगे दुआ शान आलमीन से अल्लाह तबरक और आपको इब्राहिम की जिंदगी से हासिल होने वाले ये जो दुरुस्त इबरतें मैंने बताई बहुत कम है और भी बहुत सारी बातें हैं इन पर इनको पढ़ के मालूम करके अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन व आखिर दावान अलहमदिल्लाबिलमीन सवान कल महमदी का शदल अस्तफ़र का तो नबी महमद